दोस्तों, स्वागत है प्रिया जवान यूट्यूब चैनल में। आज की इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में आप सीखेंगे सॉरी के टाइप, सॉरी किस प्रकार से और कब बोलना चाहिए। आज के वीडियो में आपको फुल जानकारी मिलेगी। और सॉरी आज के टाइम में हर कोई जो भी गलती करता है तो वो नॉर्मल से 5 वर्ड बोल देता है सॉरी। गलती फिर छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी गलती हो, फॉर्मल इनफॉर्मल है, कहीं पर भी सॉरी बोल देते हैं। लेकिन कब, किस टाइम हमें किस जगह पे सॉरी बोलना चाहिए, इसका सही यूज आज के वीडियो में आज आप जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि ऐसी और भी इंटरेस्टेड वीडियो बनाती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है अपना प्लीज़ फॉरगिव मी। ठीक है गाइस, इसको हिंदी में बोलेंगे कृपया मुझे माफ़ करें। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से आपको कब बोलना है, कृपया मुझे माफ़ करें, जब आपसे कोई भूल हो जाती है, बड़ी भूल हो जाती है, तो लास्ट में हम उससे सॉरी कई बार बोल चुके होते हैं लेकिन वो नहीं माने, तो हमें लास्ट में इस प्रकार से बोलना चाहिए प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ करें। ठीक है, इस प्रकार से यूज करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना आई वॉज मिस्टेकन, मुझे गलतफहमी हो गई थी। ये आप कब यूज करेंगे आई वॉज मिस्टेकन, जब आप किसी की बात को गलत समझ लेते हैं, कोई कुछ और बताना चाह रहा होता है और उसका आप गलत में निकाल लेते हैं, तो उसके बाद आप सॉरी को इस प्रकार से बोलेंगे आई वॉज मिस्टेकन। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सॉरी आई वॉज नेग्लिजेंट। ठीक है, इसको हिंदी यूज में बोलेंगे ध्यान नहीं देना। मतलब ध्यान नहीं देना, ये कब हमें यूज करना, सॉरी किस प्रकार से बोलना है सॉरी आई वॉज निग्लेंट, जब अपने ध्यान के बिना कोई गलती हो जाती है, जैसे कि हम कहीं से निकल रहे होते हैं, किसी को धक्का लग जाता है तो उसके हाथ से कुछ चीज़ गिर जाती है, नुकसान हो जाता है, तो हमें उस टाइम बोलना चाहिए इस वर्ड को। ठीक है, सॉरी आई वॉज निग्लेंट। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आई एम सॉरी फॉर। ठीक है, यह गलती के लिए माफ़ कर दो। जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उस गलती को बता करके बोलते हैं कि यह गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो, तब आपको यूज करना आई एम सॉरी फॉर दिस, मतलब यह गलती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना इट्स माई फॉल्ट। ठीक है, इट्स माई फॉल्ट मतलब कि यह मेरी गलती है। तो यह मेरी गलती है, ये कब बोलना है आपको, जैसे कि कोई 4 लोग होते हैं तो उसमें बात चल रही होती है, तो 2-4 मिस्टेक होती है, तो उसमें आपको बोलना पड़ता है कि यह मेरी गलती है। ठीक है, किसी और की नहीं है, तब आपको यूज करना इट्स माई फॉल्ट। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स को लेते हैं। आई एम टू ब्लेम फॉर दिस, मतलब कि मैं जिम्मेदार हूँ इस गलती के लिए। जो भी गलती हो और उसके लिए किसी और को गलती, मतलब किसी और को गलती दी जा रही हो, तब आपको ये बोलना है आई एम टू ब्लेम फॉर दिस, यह गलती मेरी है, उसकी नहीं है, तो इसलिए आपको सॉरी इस तरीके से बोलना है, जिससे कि आगे वाले को समझ में आए कि हाँ ये ईमानदार पर्सन है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल को लेते हैं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कब बोलना है, जैसे कि इसकी हिंदी बता दूँ, मैं जिम्मेदार हूँ यह गलती के लिए। ठीक है, इसके लिए भी सेम कंडीशन है, वो अपनी मतलब कि कोई भी जिम्मेदारी अपन को दी जाती है और उस जिम्मेदारी को आप नहीं निभा पाते हैं, आपसे गलती हो जाती है, तब आपको बोलना होता है आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यह गलती के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मतलब यह काम मेरा था लेकिन मैं कर नहीं पाया, यह इसका जिम्मेदार मैं हूँ। ठीक है गाइस, इसको आपको इस प्रकार से सॉरी बोलना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स लेते हैं। आई अपोलाइज, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मतलब जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप सॉरी नहीं बोलना है आपको, आप ये भी बोल सकते हैं आई अपोलाइज सॉरी की जगह। ठीक है गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं। सॉरी आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन। ठीक है, तो इसका आप यूज कब करेंगे, सॉरी आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन, क्षमा करें मैं ध्यान नहीं दे रहा था या रही थी। ठीक है, ये आप कब बोल लेंगे, जब आप किसी की ज़रूरी बात मिस कर देते हैं तब आपको यह बोलना है, जैसे कि 4 लोग होते हैं वो आपको कुछ समझा रहे होते हैं, या कोई ये, जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ और आप मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप कुछ और, आपका ध्यान कहीं और है, तब आपको सॉरी इस प्रकार से बोलना है सॉरी आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है अपना
इट वॉज केयरलेस ऑफ मी। ठीक है, तो इट वॉज केयरलेस ऑफ मी, यह मेरी देखभाल ना करने की वजह से हुआ। मतलब जब आपसे कोई गलती हो जाती है, कब होती है, जैसे कि यह मेरी देखभाल ना करने के कारण से, जैसे जब किसी बच्चे की या फिर क्लास में किसी की देखभाल करने के लिए कोई काम हमें सौंपा जाता है और वो काम हम नहीं कर पाते हैं, तब हमें जैसे अपनी लापरवाही की वजह से कोई गलती हो जाती है, उस टाइम आपको बोलना है इट वॉज केयरलेस ऑफ मी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इट्स माई मिस्टेक, यह मेरी गलती है। ठीक है, यह मेरी गलती थी, तो ये आप कब बोलेंगे इट्स माई मिस्टेक, दोस्तों के बीच आपको बोलना है या फिर अपने बराबर के लोगों से बोलना है, ये इनफॉर्मल वर्ड है। ठीक है, तो ये आपको अपने बड़ों से नहीं बोलना है सॉरी, जब भी सॉरी का टाइम आए तो अपने दोस्तों के बीच ही बोलें। ठीक है, तो आपको ये कैसे बोलना है, इट्स माई मिस्टेक। ठीक है, तो ये इनफॉर्मल है, इसको इस प्रकार से आपको यूज करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं, आई डिड दैट, अपनी गलती मानना। जब आप कोई गलती कर देते हैं तो आपको किसी ग्रुप या समूह के बीच अपनी गलती मानना होता है, जैसे क्लास में या कहीं पर भी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आप अपनी गलती मानेंगे, उस टाइम आपको सॉरी बोलने का टाइम आया है, तो उस टाइम आपको किस प्रकार से अपनी गलती मानना है, आई डिड दैट। ओके गाइस, तो इस प्रकार से यूज करेंगे आप सॉरी के अलग अलग टाइप्स। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट, पुट इट आउट ऑफ योर माइंड, आई एम सॉरी। ठीक है, ये आपको कब बोलना है, जब आप बहुत बार किसी को गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं उल्टा सीधा, ठीक है, तो उसके बाद में आपको उसका पश्चाताप करना होता है, तो उस टाइम आपको बोलना होता है पुट इट आउट ऑफ योर माइंड, आई एम सॉरी। मतलब ये अपना कहना होता है कि अब इसको, मेरी जो बात है उसको आप दिमाग पे मत लेना। ठीक है, तो उस लास्ट में आपको सॉरी बोल करके बात ख़त्म करने को आप बोलते हैं उससे, तो इस प्रकार से आपको बोलना है सॉरी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं, आई डिडंट मीन दैट, आई डिडंट मीन दैट, मतलब मेरा वह मतलब नहीं था। जब अपनी बात का कोई गलत मतलब निकाल लेता, अपन कुछ समझाते हैं किसी को या कुछ कहते हैं और वो कुछ और ही गलत मतलब निकाल के नाराज हो जाता है, तो आपको उसको इस प्रकार से बोलना चाहिए आई डिडंट मीन दैट। ठीक है, सॉरी नहीं बोलना है, इस प्रकार से आपको आई डिडंट मीन दैट बोलना है कि मेरा वह मतलब नहीं था जो आप गलत समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं, एक्सक्यूज मी। ठीक है गाइस, एक्सक्यूज मी का मतलब क्या है, माफ़ कीजिए। तो एक्सक्यूज मी आपको हर जगह नहीं बोलना है, ठीक है, तो एक्सक्यूज मी आपको तभी बोलना है जैसे आप कुछ लोगों के बीच में बैठे हैं या फैमिली मेम्बर्स के बीच में बैठे हैं, तो आप अचानक से अर्जेंट कॉल आ जाता है और आपको ज़रूरी काम से कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो आप फ़ोन उठाकर जाते हैं, तो जाने से पहले आपको बोलना होता है एक्सक्यूज मी प्लीज़। ठीक है, ज़रूरी है जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं, आई एम ट्रबली सॉरी, बहुत बड़ी गलती करने की जगह आपको बोलना है आई एम ट्रबली सॉरी। जब आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है, आपको किसी ने बहुत ही बड़ा काम दिया होता है या फिर आप पर किसी ने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया होता है और आपसे गलती हो जाती है, आप ट्रस्ट तोड़ देते हैं या फिर वो कोई काम आपसे मिस हो जाता है, बहुत ही बड़ी गलती होती है जिसकी मान के चलो कोई, मतलब कोई माफ़ ना करता हो, तब आपको बोलना होता है इस वर्ड को आई एम ट्रबली सॉरी। ठीक है गाइस, ये सबसे बड़ी गलती के लिए आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं, आई एम अ फुली सॉरी, ये आपको कब बोलना है, जब आपसे कोई गलती हो जाती है और आप बहुत ख़राब फील करते हैं, बहुत गंदा फील करते हैं कि मुझसे ये कैसे हो गया, मुझसे ये होना ही नहीं चाहिए था, है ना, ऐसी गलती मुझसे होनी नहीं चाहिए थी, तो आप गलत मतलब गंदा फील करते हैं, ख़राब फील करते हैं खुद को, तब आपको उनको आगे वाले पर्सन को ये बताना होता है आई एम अ फुली सॉरी, जिससे कि आगे वाले पर्सन को लगे हाँ ये रियल में ख़राब फील कर रहा है खुद को, मतलब उसको भी अपनी गलती का पश्चाताप है, तो आपको ये आगे वाले को फील कराने के लिए आपको ये यूज करना है आई एम अ फुली सॉरी, तो वो शायद आपको माफ़ कर दे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं, आई बिग योर पार्डन, अब आप सोच रहे होंगे पार्डन तो सुनने के लिए यूज करते हैं, जी हाँ, लेकिन आप
आई बेग योर पार्डन का यूज कर सकते हैं, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ उनके लिए, ठीक है। और इसको आप इसलिए भी यूज कर सकते हैं कुछ जब नहीं सुन पा रहे हो तो उसके लिए भी आप पार्डन का यूज करते ही हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना आई ओवर रिएक्टेड। जब आप मतलब दोस्तों के बीच होते हैं या उन दोस्तों से ज़्यादा किसी से कर्रा मजाक कर लेते हैं तब आपको यूज करना होता है कि मतलब आई ओवर रिएक्टेड, मतलब मैं ज़्यादा ही रिएक्ट कर गया, ज़्यादा ही मजाक कर गया, तो उसके लिए आपको बोलना होता है। तो किसी से मतलब अगर ज़्यादा आप किसी को मजाक कर चुके हैं, ज़्यादा गलती कर चुके हैं या फिर ठीक है, तब आपको आई ओवर रिएक्टेड का यूज करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। आई मेड एम एरर, ठीक है, तो इसका हिंदी मीन होगा मैंने गलती की है या मेरे से गलती हो गई है की बात है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं आई मेड एम एरर, जब कोई गलती हो जाती है, सॉरी बोलने का टाइम आता है तो आपको ये वर्ड यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। आई रिग्रेट मतलब पछतावा, मुझे बहुत पछतावा है। जब आप किसी गलती कर देते हैं तो उसको फील कराना चाहते हैं मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने यह गलती की है या मुझसे यह गलती हो गई है, माफ़ कर दीजिए, तब आपको बोलना आई रिग्रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना माय बैड। ये वर्ड आपको दोस्तों के या अपने छोटे लोगों या अपने बराबर के बीच में बोलना है, अपने बड़ों से नहीं बोलना है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा वर्ड इनफॉर्मल है, ठीक है, फॉर्मल नहीं है। तो इसको आप बोलेंगे माय बैड, मेरी गलती है, ठीक है गाइस। इसका आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं सॉरी की जगह। तो गाइस उम्मीद है कि वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस अभी करें। और अगर वीडियो से रियल में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, न्यू जानकारी के साथ में। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।